हेलो दोस्तों, नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के बारे में। फ्रेंड, यहां पे जिन भी छात्रों का फॉर्म वेरीफाइड कर दिया गया है और उनकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया था और वहां पे हमने बताया था कि 20 मार्च यानी कि आज के डेट में जो स्कॉलरशिप है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और बहुत ज्यादा यानी कि 99% का चांस है डिस्ट्रीब्यूट होने का। मैं ये किस बेस पे कहा था, जो भी गवर्नमेंट अपना टाइमलाइन जारी की थी, ठीक है ना, और जो सीएम हेल्पलाइन नंबर या फिर जन सुनवाई के माध्यम से रिप्लाई किया गया था, उसी के बेस पे हम बताए थे। और उन्होंने टाइमलाइन क्या दिया था कि 20 मार्च तक मतलब जितने भी यहां पे एलिजिबल छात्र हैं उनकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, 20 तारीख के डेट में किसी भी छात्र की स्कॉलरशिप नहीं आई। और फ्रेंड, हमने ये भी बताया था कि अगर आज स्कॉलरशिप नहीं आती है तो हम लोग क्या करेंगे जिससे हम लोग की स्कॉलरशिप जल्द से जल्द मिले, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं अपने चैनल पे कंटिन्यूअस पोल रखता हूं और पोल के माध्यम से बहुत सारे जो छात्र होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने इसके पहले एक पोल रखा था, उसमें बहुत ज्यादा छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसको पहले उस पोल को आपको हम दिखा देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने वन डे एगो एक पोल रखा था और यहाँ पे मतलब 6.2 के वोट पड़े हुए थे। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा था कि आप लोगों में से कितने लोगों की स्कॉलरशिप आ गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 95% मतलब स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है, ओके। और यहाँ पे मात्र 5% ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये मानना था कि उनकी स्कॉलरशिप जो आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस मतलब पोल के अनुसार यहाँ पे इतने छात्र मतलब 95% छात्र अभी भी ऐसे हैं जिनकी मतलब स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में अभी तक नहीं आई है, ठीक है ना। अब हम अपने पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा जिससे हम लोग की स्कॉलरशिप जल्द से जल्द हम लोग के बैंक अकाउंट में आ जाए, ओके। तो फ्रेंड, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आपको गूगल में सर्च कर लेना है बेस्ट सरकारी, और जो सबसे ऊपर वाला आइकन आपको दिखेगा यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, क्लिक करने के बाद देखिए ये बेस्ट सरकारी का होम पेज ओपन हो किया जाएगा। अगर आप लोग एक ही जगह पे सब कुछ पाना चाहते हैं यानी कि अपना करेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं या तो अपना स्कॉलरशिप का अमाउंट चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, क्लिक करने के बाद जब आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ऐसे PFMS यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस लिंक, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ढेर सारा लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग का फॉर्म वेरीफाइड कर दिया गया होगा और आप लोग अपना अमाउंट चेक करना चाहते हैं तो आपके सामने यहाँ पे PFMS के लिंक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे मतलब क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक होम पेज ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग अपना बेसिक डिटेल फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे अपना सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है उससे ओटीपी आएगा और उसके माध्यम से आप लोग जान सकते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप आई है या फिर नहीं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मतलब सीएम हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेन दर्ज किया गया था और वहां पे मतलब बताया गया था कि 20 मार्च तक जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अलावे भी जो मैंने फ्रेंड आपको सुबह दिखाया था, यहाँ पे भी यही कहा गया था कि 20 मार्च तक जो एलिजिबल छात्र हैं उनके अकाउंट में स्कॉलरशिप पहुंच जाएगा, ओके। और जो गवर्नमेंट का टाइम लाइन था यानी टाइम टेबल था उसमें भी यही कहा गया था, उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे इन्होंने जो टाइम टेबल जारी किया था 20 मार्च, आज वो भी समाप्त होने वाला है और आज भी किसी भी छात्र की स्कॉलरशिप नहीं आई है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, यहाँ पे इन्होंने जो भी टाइम टेबल अपना जारी किया गया था, चाहे फॉर्म को मतलब करेक्शन करने का पोर्टल ओपन होने से लेके बच्चों के फॉर्म को रिजेक्ट करने तक का जो भी टाइम टेबल इन्होंने जारी किया था, ये एग्जैक्ट मतलब उसी पे खड़े उतरे थे। लेकिन जब यहाँ पे स्कॉलरशिप देने की बारी आई तो इन्होंने मतलब एक भी पैसा एक भी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है ना। इनको मतलब अगर बच्चों को फॉर्म को रिजेक्ट करना था तो इन्होंने बहुत मतलब आराम से मतलब बिना किसी संकोच के बच्चों के फॉर्म को रिजेक्ट किया, ओके। और यहां पे जब भी पोर्टल क्लोज करना था तो इन्होंने पोर्टल को क्लोज किया। यहां पे इन्होंने सब काम यहां पे अपने टाइम टेबल के अनुसार नियत मतलब तय समय पे ही किया था। लेकिन आज जो यहां पे इन्होंने टाइम टेबल अपना रखा था और टाइमलाइन जारी किया था कि 20 मार्च तक बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप आ जाएगी, ये लोग इस पे खड़े नहीं उतरे, ओके। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉर्म सब कुछ सही होने के बावजूद भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप लोग इससे मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोग के मतलब साफ साफ मंशा क्या है। ये लोग देखिए, अगर सिंपली हम लोग बात करें तो ये लोग मतलब कम से कम बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो अफिलियेटेड एजेंसी के कारण फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया,
और बहुत सारे बच्चों का फॉर्म जो है रिजेक्टेड बाय बैंक की वजह से फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने बैंक में एनपीसीआई मैपिंग और ईकेवाईसी भी करा लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेवजह छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया, और जो यहाँ पे जो तारीख रखी गई थी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का, उन्होंने उसको भी फॉलो नहीं किया। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्कॉलरशिप है डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत कम, ये लोग चाहते हैं कि बहुत मतलब नाम मात्र छात्रों को मिले, क्योंकि आप लोग को पता है बहुत सारे छात्र यही कह रहे हैं कि 31 मार्च तक आएगा, पहले आया था। देखिए पहले आपको हम बता दें, पहले बहुत सारे छात्रों की स्कॉलरशिप आई थी, उसके बावजूद भी बहुत मतलब छात्र ऐसे थे जो स्कॉलरशिप से वंचित हो गए थे। आपको पता है कि 2022 में मतलब यूपी का चुनाव था, ठीक है ना, मुख्यमंत्री सीएम का चुनाव था, इस मद्देनजर को रखते हुए मतलब जो काम है वो तेजी से हो रहा था, ओके। और बहुत सारे यानी कि यहाँ पे मतलब 30 मार्च आते आते कम से कम 60-70% बच्चों की स्कॉलरशिप मिल चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पे आपको दिखा है कि 5% स्टूडेंट को ही स्कॉलरशिप यहाँ पे मिली है। तो आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं इन लोग की मंशा क्या है। अब देखिए अगर आप लोग इंतजार करेंगे तो ये मतलब कोई उम्मीद नहीं है कि ये लोग 30 मार्च या फिर 31 मार्च के पहले पहले स्कॉलरशिप दे दे। जब इन्होंने टाइम टेबल अपना जारी किया उसके ये लोग काम नहीं किए, तो हम लोग किस बेस पे मान सकते हैं कि ये लोग 31 मार्च से पहले पहले स्कॉलरशिप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, ओके। तो अगर हम लोग को स्कॉलरशिप अगर चाहिए और जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्कॉलरशिप चाहिए, तो आपको अब एक ट्विटर कैंपेन चलाना है, आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग इसको ले लीजिए, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग को स्कॉलरशिप चाहिए, ठीक है ना। हम लोग ये ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं 22 तारीख यानी 22 मार्च सुबह 11 बजे से। मैंने ये डेट परसों क्यों रखा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जागरूक हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाने वाले, ठीक है ना। अगर हम लोग यही कल रखते ना तो बहुत कम मात्रा में जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर पाते, इसीलिए हमने इसको 22 तारीख के डेट को रखा है। और यहाँ पे आप लोग का कर्तव्य बनता है, तो ये जो है मतलब स्क्रीनशॉट है, मैं इसको टेलीग्राम पे भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा। आप लोग जो भी ग्रुप होगा सारे ग्रुप में इसको शेयर करेंगे, और मैं जितने भी यूट्यूबर हैं जो भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उससे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपने जो भी आपके सब्सक्राइबर है उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करवाइए, और उनसे कहिए, ठीक है ना, कि आप लोग भी ये जो है ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना। क्योंकि एक चैनल या फिर एक लोगों के यहाँ पे कैंपेन चलाने से ये ट्रेंड नहीं करने वाला है, इसमें सारे लोगों को मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है या फिर जिनकी स्कॉलरशिप बहुत कम मात्रा में आई है, सबको मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम कल दे देंगे। जिनका भी ट्विटर मतलब अकाउंट नहीं बना है तो वो लोग कोशिश करें कि आपका ट्विटर अकाउंट बने, और जो भी आपके फ्रेंड होंगे, जो भी आपके कॉलेज होंगे, जो भी आपके मतलब ग्रुप बना होगा उसमें आपको ये जो स्क्रीनशॉट है उसको शेयर करना है, और जो भी यूट्यूबर हैं जो भी चैनल में आप लोग जाते हैं देखते हैं उनसे भी आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए कि ये ट्विटर कैंपेन एक साथ हो, ठीक है ना। जब एक साथ होता है तभी ये ट्रेंड होता है, और जब तक कि सीएम के कानों में ये पहुंचेगी नहीं तब तक स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा भी ना तो बहुत कम मात्रा में स्कॉलरशिप मिलेगा, आप लोग जान लीजिए। और अगर कम मात्रा में मिला, अगर आप लोग को फिर यही बाद में आके आप लोग कहेंगे कि सर एक बार ट्विटर कैंपेन चलाइए, तो एक बार ट्विटर कैंपेन हम चला रहे हैं, इसमें आप लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये जो 22 तारीख के डेट है इसमें रखा गया है 22 मार्च सुबह 11 बजे, ठीक है ना। और ऐसे सेम टू सेम जैसा यहाँ पे हैशटैग लगा के करना है वो वैसे ही करना है। बाकी जिसको जानकारी नहीं है हम कल एक वीडियो बनाएंगे कैसे करना है, लिंक कैसे रिट्वीट होता है, सारी जानकारी आपको कल मिल जाएगी, ठीक है ना। आपका बस ये काम है कि आप लोग ज्यादा ज्यादा जोड़े, ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा छात्र को जोड़े जो कि मतलब ज्यादा इसको ट्रेंड कराया जा सके। तो फ्रेंड आई थिंक जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, और आपका काम है शेयर करने का, ठीक है ना, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you and keep watching.